नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। सीएम सिटी करनाल में जिला स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर लगाए गए कर्मचारियों को 30 सितंबर के बाद हटाए जाने का अपफरमान जारी कर दिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ठेके के कर्मचारी अब सीएम सिटी में इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपा है। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी जो ठेके पर लगाए गए थे, उनको अब निकालने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, जो कि कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा बड़ी हिम्मत और बहादुरी से कार्य किया गया, जिसके लिए सरकार द्वारा तालियां तक बजाई गई और उन पर फूल बरसाए गए, परंतु जैसे ही कोरोना महामारी के लॉकडाउन में ढील दे दी गई तो वैसे ही इन कर्मचारियों की छटनी भी शुरू हो गई, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह पहले भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व मंत्री से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसके रोष स्वरूप आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर अब विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार जिनको कोरोना योद्धा बता रही थी, उनको नौकरी से निकालकर अब बेरोजगारी की लाइन में खड़ा करने का कार्य यह भाजपा की मौजूदा सरकार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इसे बेहद निंदनीय बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत ठेका कर्मचारी मौजूद थे। आप यहाँ पर मामला तो ये है जी, सारे पीएससी सीएससी में जो वार्ड सर्वेंट, स्वीपर और क्लर्क, सारी मतलब कुक से लेके हर पोस्ट पे बंदे एडजस्ट हुए हैं, लेकिन उनको जो तीन तीन साल से कार्य कर रहे हैं उनको हटा के नए बंदे लगाने की कोशिश की जा रही है, और दो तीन दिन के अंदर ये कह रहे हैं कि इनको हटा के दूसरे बंदे लगाए जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी पुराना बंदा हटे और नए लगे। कहाँ नौकरी करते हैं आप सर? हम सीएससी त्रावड़ी में करते हैं सर। तो क्या मांगा कि रेगुलर रखा जाए अभी? रेगुलर अपर फिलहाल तो यही है कि भाई हमारे जो पुराने बंदे हैं उनको ना हटाया जाए, इनको ही रखा जाए, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस इतना है कि एक मतलब इतना काम दूसरा स्टाफ करता है और इतना ये करते हैं, सैलरी भी कम है और काम इनसे ज़्यादा। कितनी होनी चाहिए सैलरी? सैलरी तो ये 13-13.5 हज़ार। अब होनी चाहिए मांग कितनी है? मांग तो होनी चाहिए जी, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज? ये हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में जब पूरा देश घरों के अंदर बंद था, उस टाइम अपनी जान जोखिम में डाल के अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए स्वास्थ्य जो अपनी संस्थाएँ हैं उनके अंदर काम किया, और लगातार सरकार द्वारा भी इनका हौसला बढ़ाने के लिए कभी तालियाँ भिजवाई गई, थालियाँ भिजवाई गई, दिए जलवाए गए, फूल बरसाए गए हेलीकॉप्टरों के द्वारा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में डील हुई, सरकार ने तुरंत इनको 1 जुलाई से नौकरी से निकालने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना की परवाह न करते हुए जो कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन के कोरोना योद्धा, तो इन्होंने कोरोना काल में ही प्रदर्शन किए शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और ये ठेका जो है 30 सितंबर तक सरकार ने बढ़ाया, लेकिन अभी 30 सितंबर 2-3 दिन के बाद आने वाले हैं, उसके बाद फिर इनको नौकरी से निकालने की सरकार कोशिश करेगी। तो उसके जरिए हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं सीएमओ के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को, और इसके ऊपर अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, अब तक कोई इनका। ये कहाँ कहाँ ड्यूटी देते हैं? ये हॉस्पिटलों के अंदर है, सीएससी, पीएससी, कल्पना चावला, हर जगह ड्यूटी देते हैं, और अलग अलग कैटेगरी है इनकी, कोई वार्ड बॉय है, कोई स्वीपर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, क्लर्क है, मतलब इस तरीके की कैटेगरी। नाम है? मेरा नाम जिला प्रधान मलकीत सिंह, सरकर्मचारी संघ हरियाणा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.